बायोटेक प्रिंसिपल एप्लीकेशंस पढ़ना है आज हम लोगों को ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। तो मैं लिख देता हूँ चैप्टर का नाम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये नया चैप्टर है हमारा, बायोटेक का लास्ट चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसको बायोटेक टू भी बोल देते हैं, बायोटेक टू है। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो पढ़ लिया कि भाई कैसे हम किसी जीन को निकालें, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए को निकालें, रिस्ट्रिक्शन जैम से कट करते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पैसेंजर डीएनए से हम डिजायर फ्रेगमेंट निकालेंगे, फिर डीएनए लाइगेज को यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और फिर कल्चर करेंगे बायोरिएक्टर्स में, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड में। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है बायोटेक का? तो जैसे ही हमने जब बायोटेक स्टार्ट की थी तो कुछ एप्लीकेशन देखा था हमने, जैसे इसका एप्लीकेशन मेडिसिन में होता है, बायोटेक का एप्लीकेशन थेरापेटिक्स में होता है। ये थेरापेटिक्स क्या होती है? जीन थेरेपी। अभी 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 बताते हैं। डायग्नोस्टिक्स में होता है। देखो डायग्नोस्टिक तो तुम समझ गए कि डिजीज, किसी का आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोज करना। थेरापेटिक्स क्या होता है कि भाई किसी चीज, जैसे भाई हमने विडाल टेस्ट से टाइफाइड को डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोज कर लिया भाई टाइफाइड है। अब उस टाइफाइड को हम ठीक कैसे करेंगे? थेरापेटिक्स में क्या आएगा, कुछ ऐसी मेडिसन्स होंगी, ऐसी वैक्सीन्स होंगी, ऐसी ड्रग्स होंगी जिससे हम डिजीज को डायग्नोज करने के बाद उसका रेमेडी निकालें, उसको हम ठीक करें, तो थेरापेटिक्स में आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो थेरापेटिक्स एक्चुअली डिजीज का ट्रीटमेंट होगा थेरापेटिक्स में, और डायग्नोस्टिक्स में तो हम चीजों को हम डायग्नोस ही करेंगे बस। तो थेरापेटिक्स समझ आया क्या? थेरापेटिक्स। यस सर। ओके, तो क्या कोरोना वायरस का कोई थेरापेटिक है अभी हमारे पास? अभी तो सर उसके हम सिम्टम्स को हम डाउन करते हैं, फीवर को डाउन करना है, पैरासिटामोल खा ली, ये सब, लेकिन अभी तक तो कोई वैक्सीन आई नहीं है। तो थेरापेटिक्स क्या होती है? ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज का ट्रीटमेंट एक्चुअली हो, ठीक है, एंड ठीक है, वो ड्रग थेरेपी भी हो सकती है या कोई भी केमिकल थेरेपी हो सकती है। डायग्नोस्टिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, थेरापेटिक्स हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। बायो रेमेडिएशन बताया था तुम लोगों को, पता है? ये सब पॉल्यूशन को कम करते हैं। हाँ, वेरी गुड, यूज करके। हाँ, बिल्कुल सही सही बोला तुमने कि बायोटेक को यूज करके पॉल्यूशन को कम करना। अगर हम स्पेशली प्लांट्स को यूज कर रहे हैं तो फाइटो रेमेडिएशन, उसको बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया हमारा। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, हमारी फूड साइंस में बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, फूड साइंस में। ठीक है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक यूज होती है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक यूज होती है। ठीक है, तो ये कुछ हमने एप्लीकेशन लिखी है बायोटेक की। तो एक एक करके एग्जांपल बताते जाओ, मेडिसिन का कोई एग्जांपल बता सकते हो बायोटेक में? तो हेपेटाइटिस बी की। हाँ, वैक्सीन बना ली हेपेटाइटिस बी की, बिल्कुल सही। थेरापेटिक्स में ट्रीट कोई वैक्सीन, ये कोई भी ट्रीटमेंट होती है सर। हाँ, वो सब थेरापेटिक्स में आ गया। कोविड की वैक्सीन बनने जा रही है तो वो भी थेरापेटिक्स में आ गया। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स, डिजीज को आइडेंटिफाई करना, पीसीआर जैसे टूल बताया था, और भी होते हैं। बायो रेमेडिएशन में फाइटो रेमेडिएशन प्लांट्स का केस हो सकता है, और स्यूडोमोनास पिट्यूडिया यूज करते हैं हम ऑयल स्पिल्स को रोकने के लिए। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट्स बना रखे हैं जिसमें हम लोगों को कोई इंसेक्टिसाइड नहीं देनी, कोई पेस्टिसाइड नहीं देनी, और प्लांट अच्छे से रह पा रहे हैं बिना इंसेक्टिसाइड स्प्रे के, ऐसे प्लांट्स बनाए हुए हैं हमने, तो एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट में कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट करें? आजकल सबसे बड़ा टॉपिक है कि रेडियोएक्टिव वेस्ट को ट्रीट करना। ठीक है, सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक है रेडियोएक्टिव वेस्ट को ट्रीट करना।
फूड साइंस में बहुत यूज होता है, जैसे प्रोबायोटिक्स आजकल चल रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में जैसे बायोगैस प्लांट हो गया, बायोगैस प्लांट में हम क्या करते हैं, मीथेन गैस बनती है, वेस्ट को डालते हैं और हाँ, तो एनर्जी प्रोडक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा था ना, बायोगैस प्लांट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ के हमें पढ़ना होगा। खैर अच्छा एक चीज सुनो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कोई बैक्टीरिया है, कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना रहा है, एक बैक्टीरिया है वो क्या बना रहा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, कोई बताएगा व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, ठीक है, और भी सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, इस एनिमल सेल से हमने क्या लिखा, एक जीन एनकोड, हमने कोई जीन निकाल लिया, ठीक है, पूरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो सब नहीं लिख रहे, बस सिंपल लिख रहे हैं जीन एनकोडिंग एनिमल प्रोटीन, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ये रहा। तो जीन एनकोडिंग एनिमल प्रोटीन इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ऐसा जीन निकाला जो एनिमल प्रोटीन बना रहा था, कोई भी इंसुलिन कुछ भी बना रहा हो, तो हमने जीन निकाल लिया। अब इस जीन को हम लोगों ने एक वेक्टर में लगा दिया, इस जीन को हम लोगों ने कहाँ लगा दिया, वेक्टर में। तो मैं लिख देता हूं यहां पे वेक्टर कैरिंग एनिमल जीन, वेक्टर कैरिंग एनिमल जीन, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है, इस जीन को हमने वेक्टर को इसमें डाल दिया है, मैं आ गया ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर ये प्रोटीन बना रहा है, कौन सी प्रोटीन बना रहा है, एनिमल प्रोटीन, यस को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं, हेटरोलोगस होस्ट है ये, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम शो हो रहा है, ये हमने शो किया कि कैसे कोई बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया कोड कर रहा है ये, ठीक है। तो अब यही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी तो हम इसको डाउनस्ट्रीम, पहले इसको कल्चर करेंगे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से यूज कर लेंगे। तो ये डायग्राम तो सिंपल है, सबको आ गया ही होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है क्या बायोटेक की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तुम लोगों को, कि हम जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, सबको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है डे टू डे। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ेगी, फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी हमारी, है ना, फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, सीरियल्स, मीट, हाँ, वीट, इन सब की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इस रिक्वायरमेंट, बढ़ती रिक्वायरमेंट को चेक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कमी आ जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो इसके तीन तरीके हैं जिससे हम फूड की रिक्वायरमेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है सारी, तीन तरीके हैं जिससे हम फूड की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो थ्री ऑप्शंस वर कंसीडर्ड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, तो तीन तरीके हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा तरीका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर,
या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं, ठीक है। थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड फार्मिंग, ठीक है। तो तीन तरीके हैं बेटा, ये मतलब जीएमओ को बनाकर, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाकर। तो तुमसे मैं अगर पूछूं तुम लोगों से कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, बताओ इन तीनों में से। थर्ड ही होगा, जीएमओ वाला। थर्ड, अच्छा थर्ड ही सब कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब सुनो, हाँ सर उसी का चैप्टर तो वही होगा। हाँ लेकिन देखो बेटा क्या है, अलग अलग है। देखो अगर हम बात करें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की, तो इसमें दिक्कत क्या आती है, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं ना, वो केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यूट्रोफिकेशन कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन समझते हो? यस सर, उसके ऊपर ना मतलब वाटर बॉडीज के ऊपर वो हो जाते हैं, वो एयर बबल, या फिर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे हमने कोई केमिकल्स यूज करा, तो केमिकल्स हमने जैसे एनपीके कुछ भी कोई केमिकल डाला एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ड्यू टू इरिगेशन के कारण ये जो पानी जो फिर हमारे वाटर बॉडीज में जाता है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारे नाइट्रोजन फॉस्फेट, ये सब क्या करते हैं, इनका एनरिचमेंट हो जाता है पानी में। जब इनका एनरिचमेंट होगा पानी में, वाटर बॉडीज में डेफिनेटली हो जाएगा, तो इनके एनरिचमेंट होने के कारण ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा, कुछ एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है वहाँ पे, जैसे माइक्रोसिस्टिस होती है बहुत बढ़ जाती है, माइक्रोसिस्टिस इज अ बीजीए, तो इनका ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। एल्गल ब्लूम होता है, और उस एल्गल ब्लूम के कारण उस पानी में क्या होता है, उस एल्गा को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो क्या करेगी, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करती है, डीओ को, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गा आर वाटर इनहेबिटेंट। हाँ बिल्कुल, तो अब क्या होगा वहाँ पे, उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का लेवल बढ़ेगा और डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो उस पूरे फिन और पानी धीरे धीरे वो हॉट गर्म होने लगता है रेस्पिरेशन की वजह से, तो इसलिए उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, इकोलॉजी अभी जब स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ेंगे। तो अगर हम केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चरिंग करें तो हमें यूट्रोफिकेशन की दिक्कत आने लगती है, ठीक है। और केमिकल्स ना टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेंस भी होते हैं, तो कैंसर भी कर सकते हैं, तो दिक्कत है। अच्छा जीएमओ के साथ भी दिक्कत है, बताएं जीएमओ को यूज करें तो इनके साथ भी दिक्कत है, कोई बताएगा क्या दिक्कत हो सकती है? सर इनको ना हर साल वो बदलना पड़ेगा, मतलब नई वो लेनी पड़ेगी। मतलब हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाइब्रिड, यस। हां, कोई और तरीका, और अच्छा एक्चुअली क्या होता है, देखो जो जीएमओ सर एक खर्च, मतलब थोड़ा महंगा प्रोसेस होगा सर, प्रोसेस डेफिनेटली प्रोसेस महंगा है, पर प्रोसेस महंगा पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, कुछ ऐसे हमने ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जो कि बन तो अच्छे गए, उनकी ईल्ड भी बहुत अच्छी खासी मिल रही है हम लोगों को, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनके पॉलन ग्रेन्स ना काफी एलर्जिक हो गए, और वो ह्यूमंस के लिए भी एलर्जिक हो गए, और इवन एक बटरफ्लाई है हमारी, उसका नाम है हमारा मोनार्क बटरफ्लाई का नंबर, मिमिक्री शो करती है, मोनार्क बटरफ्लाई का नंबर भी कम होने लगा, ठीक है। एक तो दिक्कत ये एलर्जिक, एक दूसरी दिक्कत भी है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या समझेंगे? सपोज करो एक हमने ना एक मैं इसको चलो बनाता हूँ, एक हमने क्रॉप बनाया, ये बेटा जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अच्छी खासी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है, जीएमओ है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, इसको डिजीज भी नहीं हो रही है, चलो ठीक है। कौन सी फैमिली का है ये, है सपोज करो एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। अब कोई एक वी, अब जिस फार्म में इसको ग्रो कर रहे हैं ना, वहां पे एक वीड आ गई, कोई वीड आ गई, ये वीड भी एस्ट्रेसी फैमिली की है। अब इनमें क्या है, सेम फैमिली है, तो इनमें ना पॉलिनेशन हो जाता है,
तो जो जीएमओ का जो जीन था, जो यहाँ पे हमने ट्रांस जीन डाला हुआ था, जो डिजिटाइजेशन था, इस वीड में भी वो जीन आ गया। अब ये वीड भी कैसी बन गई, ये वीड भी डिजीज रेजिस्टेंट बन गई। एक तो वीड है वो दिक्कत, और वीड भी क्या बन गई, डिजीज रेजिस्टेंट। इसको बोलते हैं सुपर वीड। तो सुपर वीड का बनना भी बड़ी दिक्कत है भाई। एक तो वीड है वैसी भी दिक्कत है, और ऊपर से क्या बन गई ये सुपर वीड। तो जीएमओ को यूज करने से ये भी दिक्कत आती है, सुपर वीड का बन जाना, ठीक है। तो अब तो भाई एग्रो, अब फिर तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हम कोई किसी को बोले कि भाई क्रॉप अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, डेफिनेटली जीएमओ एक अच्छा तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका पूछूं मैं तुम लोगों से कि बेस्ट तरीका बताओ जिसमें क्रॉप मतलब कोई डिजीज ना हो, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी कम हो, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन कम रहेगा भाई, प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम रहता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे सारे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे जैसे हमने बीजीए यूज कर लिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, इन सब ने क्या करा, नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा दिया, है ना। तो हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो और हम लोग कुछ ऐसे पेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारेंगे। हाँ, है ना? चैप्टर दो से रिलेटेड था है, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर से। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो फार्मर्स होते हैं होलिस्टिक अप्रोच अप्रूव करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं, कंटिन्यूस चेक एंड बैलेंसेस को रेगुलेट करते हैं, है ना। ये जो माइक ये सब लाइनें लिखी हुई है, हाँ सर, वो लिखा हुआ है लास्ट में, बायो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो मैनेजमेंट, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स यूज करेंगे जो दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को मारेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम टोटल और टोटल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करेंगे, तो इसमें हमें बेस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है, लेकिन यील्ड कम होगी इसमें, बात ये है। बाकी डिसएडवांटेज इसकी कुछ ऐसे एलर्जिक नहीं होगा, ठीक है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा, लेकिन दिक्कत है यील्ड कम होगी। है तो एक एक करके थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड, ठीक है। तो इसमें हमें पता है हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, तो तुम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, केमिकल्स का यूज होना है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब का यूज होना है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज होना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होना है बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा होती हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है, कुछ ये होती है, ये हम डाल देते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं। मैन्योर को यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं हम लोग, बायो पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, फॉर बायो कंट्रोल, तुम लोगों ने माइक्रोब्स में पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है जीएमओ के बारे में, थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इसमें भाई सिंपली बायोटेक का यूज होना है, बायोटेक डेफिनेटली यूज होगी, ठीक है। अब सुनो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का फायदा तो बहुत है जो जीएमओ को यूज करते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है जो मैं तुम्हें डिस्कस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक हमारे ना वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में फूड की प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई थी, ट्रिपल हो गई थी। यस सर, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज करके।
ट्रिपल हो गई थी, फूड प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे कौन थे? नॉर्मन, ये पूछ लेता है, ई बोरलंग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है जिसमें हमारी फूड की प्रोडक्शन 3 गुना हो गई थी। ठीक है, 3 गुना फूड की प्रोडक्शन हो गई थी, तो थोड़ा याद रखना हम लोगों को। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अच्छा अब सुनो, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? सिंपल सा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ग्रेन की वीट एंड राइस की स्पेशली उसकी हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी। तो हम लोगों ने वीट एंड राइस की प्रोडक्टिविटी क्या कर दी थी? इंक्रीज कर दी थी, 3 गुना तक बढ़ गई थी 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या कहा था? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया था फार्म में, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। सेकंड, बेटर मैनेजमेंट मतलब भाई इरिगेशन को अच्छा कर दिया हम लोगों ने, इरिगेशन का। ठीक है, सॉइल कंजर्व, मतलब ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी हो गई सारी। थर्ड, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स का यूज करना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में करा था। इन ग्रीन रिवॉल्यूशन में ट्रिपल हो गई थी फूड प्रोडक्शन, पर ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा पर ये इतना भी नहीं हुआ था कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर पाए। तो ट्रिपल तो हो गई थी, लेकिन ये भी सॉल्यूशन नहीं था कि इतनी ज्यादा ट्रिपल होने के बाद भी ये हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को सारी को फीड कर पाए, तो भी दिक्कत हो जाती है, हमारे कई लोगों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर पाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। तो ठीक है, अब देखो इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें हिंड्रेंसेस क्या आई। तो कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉट कंप्लीट सक्सेस, वॉज नॉट अ कंप्लीट सक्सेस। कारण ये थे कि भाई जो फार्मर्स जो डेवलपिंग वर्ल्ड में, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो ठीक है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड में उनके लिए केमिकल्स बहुत एक्सपेंसिव थे। ठीक है, केमिकल आर एक्सपेंसिव फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड फार्मर, फॉर डेवलपिंग कंट्री फार्मर्स, उनके लिए बहुत महंगे थे, तो दिक्कत थी। ठीक है, अच्छा हम लोग भाई एक बार ट्रिपल तो हो गई थी, अगर हम और भी ज्यादा इसकी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहे तो वो नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से हम लोग लिख देता हूँ, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से हम इसकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे थे। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड हम यूज कर रहे थे, तो by the use of conventional breeding method further increase मतलब हम अपने मन से करवा रहे थे ब्रीडिंग, नहीं मैं बता रहा हूँ, further increase of yield not possible। मतलब कन्वेंशनल क्या होता है कि जो सब, जैसे हम लोग एक भाई हम क्या करते हैं,
एक हाई ब्रीड का, हाई यील्डिंग वैरायटी का हमने मेल प्लांट चूज कर लिया और एक फीमेल प्लांट चूज कर लिया, दोनों को हमने फर्टिलाइज करा दिया। तो हम लोगों ने, हमने नेचर में देखा कि भाई कौन सा हाई यील्ड प्रोडक्टिंग है, कौन सा अच्छा है, मेल और फीमेल। तो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम यही करते हैं कि हम खुद से चूज कर लेते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। जैसे हमें अगर बात करें बफलो की या किसी को ब्रीड कराना है, तो मेल अच्छा चूज कर लेंगे, फीमेल अच्छा चूज कर लेंगे, उनको ब्रीड करा देंगे। तो ये कन्वेंशनल है। लेकिन सपोज करो एक डिजीज है, कोई एक्स नाम की डिजीज है जो प्लांट्स में लग रही है, वायरस कर रहा है और प्लांट्स में लग रही है, और उस डिजीज के लिए पूरी दुनिया में कोई प्लांट रेजिस्टेंट नहीं है, उसके लिए रेजिस्टेंस मिलती नहीं है। तो क्या अब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग से प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना पाएंगे क्या? नो सर, बना ही नहीं सकते। उस केस में बायोटेक आ जाती है पिक्चर में। तो बायोटेक ऐसा कर सकती है कि अगर कोई डिजीज है और उसके लिए कोई प्लांट रेजिस्टेंट नहीं है पूरी दुनिया में, बायोटेक उसको रेजिस्टेंट बना सकती है। तो ये सब पॉसिबल है बायोटेक से, लेकिन कन्वेंशनल ब्रीडिंग ऐसा नहीं कर सकती। तो इसमें दिक्कत थी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में भी, जो कि जीएमओ ने या बायोटेक के आने के बाद ये सब इम्प्रूव हुआ। तो ये भी एक हिंड्रेंस थी। ठीक है, और क्या हिंड्रेंस हो सकती है? जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत ज्यादा हमें यूज करते हैं, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे। तो लोग बाग इतना अच्छे अमाउंट में उसको यूज नहीं करते थे क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैं सब ये नहीं लिख रहा। जो फर्टिलाइजर केमिकल्स थे उनके, वो ये एनवायरमेंट में भी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आ रहे थे, तो लोगों ने उनको अब यूज करना कम कर दिया, करने लगे, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। तो ये सब पॉइंट्स में नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, इसकी हिंड्रेंसेस आए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो इन सब को पूरा करने के लिए कौन आ गया? बायोटेक आ गई। अब सुनो, फॉर ओवरकमिंग द हिंड्रेंसेस, पिक्चर में कौन आ गया? बायोटेक। तो यूज ऑफ genetically modified crops is a possible solution. ठीक है, तो genetically modified crops को हम use करें तो एक अच्छा solution है ये। ठीक है भाई, तो अब हम ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, genetically इसके लिए तो दो स्ट्रेटेजीज होती हैं इसमें, जीन एडिशन और जीन सब्ट्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सुन अब ध्यान से। अब दो स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं इसमें, जीन एडिशन, या जीन को किसी ऐड कर दें बाहर से, ट्रांसजेनिक बना दें, और दूसरा जीन सब्ट्रैक्शन, कोई हार्मफुल जीन है जो दिक्कत कर रहा है उसको हटा भी सकते हैं। तो किसी क्रॉप में हम कोई बाहर से जीन डाल दें और वो करेक्टरिस्टिक्स प्लांट में बना दें। जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट को हम एक बाहर से जीन लेकर इसमें डाल दें। तो सपोज करो ये जीन हमने किसी डिजीज रेजिस्टेंट से लिया, डिजीज रेजिस्टेंट जीन है ये, तो ये प्लांट भी कैसे हो जाएगा? डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा। उसको बोलते हैं जीन एडिशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या जीन एडिशन की? In which cloning is used to alter the characteristics of a plant by adding one or more genes, मतलब एक या दो से ज्यादा जीन को ऐड कर दें और उसमें करेक्टरिस्टिक चेंज आ जाए। जीन सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे? इसमें हम लोग कोई ऐसा जीन होगा जो प्लांट को दिक्कत कर रहा है तो उस जीन को हटा भी सकते हैं, जीन सब्सट्रैक्शन। तो इन दो तरीके से हम लोग जीएमओ में हम यूज करेंगे, जीएमओ बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट बोल रहे हैं, प्लांट्स बैक्टीरिया कॉमा फंजाए एंड एनिमल्स हूज जीन्स
whose genes have been altered, जिनके genes alter कर दिए गए addition से या subtraction से by manipulation, are called GMO. GMO की full form क्या होगी? प्लांट बैक्टीरिया फंजा और एनिमल जिनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया, ऑल्टर मतलब चेंज करना बाय मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन मतलब छेड़छाड़ कर, कैसे छेड़छाड़ कर कि किसी जीन को ऐड कर दिया या किसी जीन को हटा दिया, तो उसको हम ट्रांसजेनिक या जीएमओ बोलेंगे। तो अगर पूछते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है मतलब उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, या तो कोई नया जीन ऐड किया है या कोई डिलीट किया है। ट्रांसजेनिक प्लांट भी होते हैं, ट्रांसजेनिक फंजाई भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ये है जो हमने लिखी है स्क्रीन पे, ठीक है? तो ये आपको आनी चाहिए। अब सुनो नेक्स्ट, ठीक है? अब सुनो, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जीएमओज? तो एडवांटेजेस ऑफ जीएमओज हैं, कुछ लिख देते हैं, या ट्रांसजेनिक्स, ठीक है? तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो आप सुनो, जो प्लांट्स होते हैं हम लोग एबायोटिक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो प्लांट्स कैन बी मेड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है सर? जो मतलब नॉन लिविंग जैसे वाटर, एयर, लैंड, ये सब होते हैं उनके रेजिस्टेंस। कोल्ड, ड्रॉट, हीट, सॉल्ट कंडीशन, ये सब। तो हम प्लांट्स को कोल्ड रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं बाय ट्रांसजेनिक प्लांट को हम। तो एक ये फायदा। दूसरा फायदा, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा फायदा, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मतलब प्लांट्स अब केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड नहीं है, ठीक है? ये रिलायंस का मतलब होता है, रिलायंस का कि प्लांट्स अब किस पे डिपेंड नहीं है, केमिकल्स पे। तो बोल सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना दिए, अब पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, help to reduce post harvest loss। ये post harvest loss का क्या मतलब है, कोई बताएगा? जब harvesting कर देते हैं तो जो उसका waste या कुछ बचता होगा, तो मैं बताता हूँ post harvest loss क्या होता है। जैसे suppose करो हम लोगों ने एक टोमेटो को कट किया, उसके फील्ड से इसको हार्वेस्ट किया। अब जब टोमेटो को कट किया, फार्म फील्ड से कट किया, एग्रीकल्चर फील्ड से, और उसको मार्केट तक आने में या हम लोगों तक आने में काफी सारे टोमेटोस तो खराब हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, राइपन हो जाते हैं, ओवर राइपन। तो हार्वेस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा तो खराब हो जाते हैं, ठीक है? जैसे इंडिया है, इंडिया में पता है वीट प्रोडक्शन अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जब हार्वेस्ट करते हैं ना वीट को, तो इतना वीट तो खराब हो जाता है कि पूरे यूरोप को हम फीड कर दें। इंडिया में इतना खराब हो जाता है वीट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बाद, भाई बरसातें हो गई हैं, स्टोरिंग प्रॉब्लम हो गई, स्टोरिंग ऐसे ही खुला रखा हुआ होता है उनमें। हाँ, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है? लेकिन हम जीएमओ को यूज करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। एक फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया हम लोगों ने, फ्लेवर सेवर टोमेटो, शायद मैं तुम्हें पढ़ाया भी है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो वो अगर वो क्या करते हैं, वो ना अगर तुम कट करोगे उसको तो वो ना जल्दी से ओवरराइप नहीं होता, राइप नहीं होगा, बहुत दिनों तक उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो मार्केट से उसको मतलब फार्म से जब हमने हार्वेस्ट किया और हम लोगों के घर तक आने में वो टमाटो पूरा राइप हुआ ही नहीं, एज इट इज है, और वो अच्छा खासा खराब नहीं होगा, उसकी लाइफ बढ़ गई। तो हम लोग जीएमओ को यूज कर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम कम कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज हमें मिला जीएमओ को यूज करने के बाद। चौथा, तो ये एडवांटेज ऑफ जीएमओ इज अ ट्रांसजेनिक पूछ सकता है बोर्ड में, ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस और मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट्स, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, तुम लोग समझना। दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ सॉइल। तो समझ रहे हो कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब सपोज करो एक प्लांट है और एक और प्लांट है भाई, ठीक है, ये जीएमओ है, ये नॉर्मल है, ये सॉइल से ना, ये सॉइल है हमारी, तो ये सॉइल से मिनरल्स को बहुत ज्यादा यूज करता है, वेस्ट करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कुछ कंट्रोल वे में नहीं कर रहा है, वेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन ये जीएमओ जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छी एफिशिएंसी से करता है, जितना जरूरत उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, तो ये मिनरल्स को बहुत अच्छी एफिशिएंसी से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये तो वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना यूज भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये जितना इसको जरूरत है उतना एब्जॉर्ब कर रहा है और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी से मतलब उसकी यूज एफिशिएंसी अच्छी है, इसका एग्जॉर्प्शन नहीं होगा, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये फोर्थ पॉइंट बोलते हैं, तो जीएमओस मिनरल्स अच्छे एफिशिएंसी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये तो है ही, enhance nutritional value, तो nutritional value भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी enhance होगी of food, जैसे तुम लोगों को पता है vitamin A, golden rice, vitamin A enriched, पढ़ा है ना golden rice, पता है golden rice के बारे में? Yes sir, rice plant fusion में बताया था तुम लोगों को, मैं बता देता हूँ, प्लांट फ्यूजन में बताया था, सुनो, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है भाई, राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ा दिया, विटामिन ए को इंट्रोड्यूस कर दिया, विटामिन ए की कंटेंट अच्छी खासी काम हो गई, ठीक है। आप सुनो, to combat vitamin and iron deficiency, ठीक है, अब सुनो क्या हुआ था इसमें, इसमें क्या करा हमने, एक जीन लिया बीटा कैरोटीन का, एक जीन लिया, एक बीटा कैरोटीन दो विटामिन ए देता है, वेरी गुड, एक जीन लिया ये तो याद, बीटा कैरोटीन का एक जीन लिया बीटा कैरोटीन का, ठीक है, अब क्या करा हम लोगों ने, इस बीटा कैरोटीन वाले जीन को हम लोगों ने किस में डाल दिया, राइस प्लांट में डाल दिया। अब क्या करते हैं बेटा, बीटा कैरोटीन जीन क्या करेगा, बीटा कैरोटीन बनाएगा, ये बीटा कैरोटीन जब हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी तो दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल को देती है ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, वन बीटा कैरोटीन जीन, गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। अच्छा, अब मतलब जीन क्या है, जीन तो प्रोडक्ट बनाएगा ना, कैरोटीन बनाएगा, तो जब इस बीटा कैरोटीन जीन को राइस प्लांट में डाल दिया हम लोगों ने, तो अब क्या होगा, ये राइस प्लांट विटामिन ए की सिंथेसिस को, मतलब राइस प्लांट कैरोटीन की सिंथेसिस को करने लगेगा, और जब हम खाएंगे इस राइस को
तो कैरोटीन हमारा डाइजेस्ट सिस्टम में जाएगा और क्या दे देगा, विटामिन ए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीटा कैरोटीन इज द प्रिंसिपल सोर्स, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का प्रिंसिपल सोर्स है बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसको गोल्डन क्यों बोला, क्योंकि इसका कलर थोड़ा ना येलोइश डार्क येलोइश गोल्डन कलर का होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, इसलिए इसको गोल्डन राइस बोला गया, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल होता है, तो ये है इसकी पीछे इसका वो साइंस, ठीक है। आप सुनो, जैसे हमने एक एक्चुअली क्या करा था, हमने एक प्लांट था डेफोडिल, सुनना इसके बारे में, डेफोडिल ये क्या करा हमने, और एक राइस प्लांट है हमारा ओराइजा सटाइवा, हमने इस डेफोडिल से जीन लिया, कौन सा जीन लिया, बीटा कैरोटीन का जीन, और इस जीन को कहां इंट्रोड्यूस कर दिया, राइस में। तो ये कौन सा राइस बन गया, गोल्डन राइस, ठीक है। तो अगर जो बीटा कैरोटीन का जीन था हमने कहां से लिया, डेफोडिल प्लांट से, तो ये जो राइस होगा ये ट्रांसजेनिक राइस बन गया ना, ये राइस कैसे बन गया, ट्रांसजेनिक राइस। तो इस राइस को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक राइस। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर, ठीक है, नो सर। तो ये हमारा, हाँ तो ये हमारा हो गया। तो ये जो तुम मुझे बताओ बीटा कैरोटीन जीन है, क्या ये डायरेक्ट चला जाएगा राइस में या वेक्टर चाहिएगा? वेक्टर चाहिएगा सर, बिल्कुल, वेक्टर के थ्रू डाला हमने, ठीक है, ऐसे तो डाल ही नहीं सकते। तो बेटा ये हो गया हमारा बीटा कैरोटीन, ये हमारा गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो हम लोगों ने बेटा एडवांटेजेस लिख लिए, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जीएमओस। तो ये 5 पॉइंट है, तुम लोगों को आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये, और तुम लोगों को सारे आना चाहिए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, अब सुनना ध्यान से, डिसएडवांटेजेस पूछे अगर तुमसे तो बता सकते हो जीएमओ की डिसएडवांटेजेस, बोलो, मैं समझाई थी सर। वो वीड्स वाले से अगर वीड ग्रो कर जाती है सर, वो सुपर वीड बन जाएगी, वीड भी सर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी, सुपर वीड का बनना, और एक्सपेंसिव सर बहुत ज्यादा, पोलन मे बी एलर्जिक, मे बी एलर्जिक टू ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स, और अदर, तो पोलन ग्रेन्स एलर्जिक भी हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, बाकी तो एडवांटेजेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब सुनो, जो जीएम प्लांट्स होते हैं, जीएम प्लांट्स को हम टेलर मेड प्लांट्स भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूज्ड, have been used to create tailor-made plants क्या होते हैं देखो, actually क्या होता है, tailor क्या करता है, tailor हमारा, अगर तुम उसको tailor को shirt का कपड़ा दे दो, तो वो shirt जैसे तुम्हें चाहिए, जिस size की चाहिए, जिस design में चाहिए, वैसी बना देगा तुम्हारे according। तो टेलर मेड प्लांट्स वही होते हैं, अगर कोई प्लांट है, सपोज करो इस प्लांट में हम चाहते हैं कुछ ऐसा जीन डाल दें जिससे ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए, डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए कोई भी एक्स डिजीज के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम इसकी यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो कोई और जीन डाल दें जिसके कारण इसकी यील्ड बढ़ जाए, ठीक है। इसकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहते हैं, क्वालिटी, फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट क्वालिटी में न्यूट्रिशन अच्छा हो, तो कोई और जीन डाल दो। तो जो करैक्टर चाहिए हम उस प्लांट में डाल, जीन डालकर वो करैक्टर हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टेलर मेड प्लांट्स। तो जीएम प्लांट्स को हम टेलर मेड प्लांट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट सुनना, तो जो टेलर मेड प्लांट्स हमने यूज करे, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई, मैं यहां लिख देता हूँ, GM plants have been used to create tailor-made plants to supply
टू सप्लाई, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है सुनना, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हीरोडेन बाय ब्रासिका इंडिगो, अब हम लोगों ने क्या काम किया, लीच होती ना लीच, लीच हीरोडेन एरिया, हाँ उसके अंदर एक जीन होता है बेटा, जीन का नाम है हीरोडेन जीन। ये हीरोडेन जीन आता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है ना, एंटीकोगुलेंट, हाँ हीरोडेन एंटीकोगुलेंट, तो हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं इसको, हीरोडेन को कहाँ यूज करेंगे, एंटीकोगुलेशन के लिए, भाई डायलिसिस कर रहे हैं, डायलिसिस समझते हो ना, यस सर, आर्टिफिशियल, उस दौरान हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं उसको, पेशेंट का ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, तो पेशेंट का ब्लड जब बाहर निकालते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वो डायलिसिस मशीन में कोगुलेट ना कर जाए, तो उसको हम उसमें एंटीकोगुलेंट डालते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं, वो लीड से हमने हीरोडेन जीन निकाला, अब सुनना कैसे बायोटेक ने काम किया, इस हीरोडेन जीन को, कौन सा जीन है हीरोडेन, इसको डाल दिया वेक्टर में और इसको इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रासिका नेपस प्लांट में। अब ब्रासिका नेपस प्लांट ने जब अपना फ्रूट बनाया, एक्चुअली इसकी सीड्स में होता है, फ्रूट बनाया, तो उसकी फ्रूट में जो सीड्स में हमें क्या मिला, हीरोडेन मिला, हमें मिला हीरोडेन। अब हीरोडेन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब जहाँ दवाइयाँ बनती हैं। तो अब मुझे बताओ, ये एक बहुत अच्छी बात हुई, नहीं हुई, बायोटेक ने हमने टेलर मेड प्लांट्स को यूज किया और उससे मिलके हमने क्या बना लिया, हीरोडेन बना लिया। तो ये पूछ सकता है कि हीरोडेन हम किस प्लांट से बनाते हैं, ब्रासिका नेपस से। तो हीरोडेन जीन को हमने एक्सप्रेस करा दिया ब्रासिका नेपस में, वहां से हीरोडेन निकाल लिया, ऐसा होता है। तो ये हमने यूज कर लिया जीएम प्लांट्स को, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ूं? पूछना है किसी को? नो सर। ओके ठीक है, ओके। तो बेटा ये हीरोडेन का फंक्शन था, अब सुनना आगे, आगे है हमारा सेकंड, मैं लिख देता हूं, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ फ्यूल, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं। हाँ अब सुनना, जो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको सुनना, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स एट प्रेजेंट, इज एट प्रेजेंट यूज मेनली फॉर, यूज मेनली फॉर फॉर मार्जिन एंड मार्गर एंड अदर, मेनली फॉर, मैं सिंपल लिखता हूँ, फूड ऑयल्स, बट इट कैन बी मॉडिफाइड, बट इट कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस फैटी एसिड्स फॉर डिटर्जेंट, फॉर डिटर्जेंट सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स, सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। एक जेट्रोफा प्लांट होता है, अगर मैं बताऊं तुम्हें। यस सर, जेट्रोफा, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें फोरबीएसी फैमिली भी यूज करते हैं सर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। हाँ, जेट्रोफा प्लांट होता है, उसमें हम बहुत यूज करते हैं पेट्रोकेमिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल, हाँ, U4BSE, यस। बस ये तुम लोगों को बस रीड करना है इसमें, तो ये सारी बातें हो गई हैं। एक
अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे हमें मेन, अब यहाँ बेसिक पॉइंट्स हमने आज सारे पढ़ लिए जो यहाँ पे बेसिक चीजें थी, आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे बीटी कॉटन के बारे में। अब सुनेंगे मॉड्यूल क्या बोलता है, एक बार मॉड्यूल को भी देख लेते हैं, मॉड्यूल तो शायद इसका है या नहीं देखते हैं। इसमें मॉड्यूल शायद नहीं होगा, तो तुम बेटा क्या क्या काम करना, इसको मॉड्यूल को ना तुम खुद पढ़ना इसमें क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोलती है एक बार वो देख लेते हैं। यस, तो ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं बायोरिएक्टर्स। ये देखो ये सारी चीजें हैं, ये जो तुम्हें खुद ही रीड करना होगा आज, ये सारी चीजें एनसीईआरटी का बेसिक पॉइंट्स जो दिए हुए ना, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रो बेस्ड केमिकल ऑर्गेनिक कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो तुम लोग आज ना इसको रीड करोगे खुद ही, कल यहाँ से हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन से। यहाँ पे तुम्हें बीटी कॉटन दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो तुम एनसीईआरटी रीड करना आज, बाकी फिर हम कल डिस्कस करते हैं। मैं तुम लोगों के एक बार अटेंडेंस भी लूंगा, एक बार रुकना। सर इस वीक में खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर? यस मुकुल, हाँ मनु, ये इस आज तो ट्यूजडे हो गया ना, हाँ मतलब इस वीक या एक दो दिन, 5-6 दिन लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में, हो जाएगा। तो 5-6 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ज्यादा कुछ रह नहीं गया।